नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। दर्शकों, कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन ज़रूर लगाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ बनेगा देश का मिलेट हब, मिलेट मिशन का हुआ शुभारंभ। हीराखंड एक्सप्रेस को नवीन आधुनिक एलएचबी रैक के साथ किया गया शुभारंभ। शहर में गणेशोत्सव की धूम, 10 दिनों तक विराजेंगे गणपति बप्पा। और पश्चिमी घाट से लेकर बस्तर आर्ट गैलरी तक दलपत सागर के तट को सजाया गया आकर्षक ढंग से। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शुक्रवार को कोदो कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और 14 जिलों के मध्य MOU किया गया, जिसके तहत IIMR किसानों को तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज, सीड बैंक की स्थापना में मदद और प्रशिक्षण मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा आदान सहायता समर्थन मूल्य पर खरीदी, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की विशेष पहल की जाएगी। मिलेट के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश का मिलेट हब बनेगा। उन्होंने कहा कि मिलेट मिशन के तहत किसानों को लघु धान्य फसलों की सही कीमत दिलाने, आदान सहायता देने, खरीदी की व्यवस्था, प्रोसेसिंग और विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ दिलाने की पहल की है। उन्होंने कहा, लघु वनोपजों की तरह लघु धान्य फसलों को भी छत्तीसगढ़ की हम ताकत बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने निवास कार्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जशपुर के कलेक्टरों के बीच MOU पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। MOU के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने, तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता और सीड बैंक की स्थापना के लिए सहयोग और मार्गदर्शन देगा। इसके अलावा IIMR हैदराबाद द्वारा मिलेट उत्पादन से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की गई वैज्ञानिक तकनीक का मैदानी स्तर पर प्रसार हेतु छत्तीसगढ़ के किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। हीराखंड एक्सप्रेस को नवीन आधुनिक LHB रैक के साथ शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दक्षिण पूर्वी रेलवे तट के द्वारा जगदलपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में बस्तर सांसद दीपक बैज, विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, निगम अध्यक्ष कविता साहू उपस्थित थे। इस दौरान सांसद दीपक बैज ने कहा, बहुत लंबे संघर्ष के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद इंडियन रेलवे ने बस्तर के लिए नई सौगात दिए है। निश्चित रूप से मैं सभी बस्तर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि हमारे बस्तर भी चाहता है कि हमारे पास रोड कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी का भी हुआ और रेलवे कनेक्टिविटी बहुत पहले से है, लेकिन इसको अभी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने की जरूरत है। मैं तो समझता हूं, अगर बस्तर में हमारे यहाँ बेला डिला की माइनिंग नहीं होता तो मैं समझता हूं राशायद रेल का सपना हमारे लिए अधूरा रह जाता। लेकिन सौभाग्य है कि हमारे बस्तर में इतना खनिज संसाधन से भरपूर बस्तर, जिसका उपयोग देश हित, क्षेत्र हित में किया जा रहा है, तो इसका लाभ कहीं ना कहीं बस्तर को मिलना चाहिए। इसी तारतम्य में हमारे खनिज के दोहन के साथ साथ
ये रेलवे जो संचालित हो रही है इसमें हमारे यात्रियों के लिए भी सुविधा बहुत ही जरूरी है। विशाखापट्टनम हैदराबाद के लिए जुड़ेंगे, सीधा हम उड़ीसा भुवनेश्वर से हम सीधा रायपुर दिल्ली के लिए जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन पिछले समय लगातार कोविड के चलते बहुत से हमारे ट्रेनें, जो 5 ट्रेनें चलती है वो ट्रेनें बंद पड़ी थी और कहीं ना कहीं वो ट्रेनें धीरे धीरे चालू हो रही है। निश्चित रूप से बस्तर वासियों का इससे सपना साकार हो रहा है। और आदरणीय साथियों, बहुत बड़ा जवाबदारी हमारे जनप्रतिनिधियों का भी बनता है, क्योंकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, वहां तक बात पहुंचनी चाहिए, वहां तक बात रखने वाला होना चाहिए, वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए, वहां तक मांग पहुंचनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इस दशक में आप देख रहे हैं लगातार, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का मामला हो, लगातार बस्तर की बात, दिल्ली की आवाज संसद में उठ रही है। ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य और मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी और कर्तव्य है, जहां आपकी बात हम लोकसभा तक पहुंचा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका सफलता दिख रही है और मिल भी रही है। आदरणीय साथियों, क्योंकि लोकसभा जैसे जगह में, इतने बड़े क्षेत्र में, देश के संसद में बात रखवाना, बस्तर हित की बात रखवाना और वहां हर मुद्दों को रख पाना, इतनी आसान काम नहीं है। लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से हर बात उठ रही है। जब पिछले समय रेलवे की बजट की चर्चा हो रही थी, रेल मंत्री बैठे थे, माननीय पीयूष गोयल जी उस समय मंत्री थे, बस्तर की हर बात को रेलवे के मुझे चर्चा करने का अवसर मिला, निश्चित रूप से बारीकी चर्चा हुआ। हमें पता भी नहीं था इतनी गहराई तक, मतलब कितने केंद्र सरकार को पैसे जाती है हमारे बस्तर के माइनिंग से। जब इसको गहराई में जाकर हमने पता करने का कोशिश किए तो निश्चित रूप से सिर्फ रेलवे को ट्रांसपोर्टिंग से, माइनिंग ट्रांसपोर्टिंग से रेलवे को सालाना लगभग 3600 करोड़ रुपए मिलती है, सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग रेलवे का। शहर में गणेशोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों में शुक्रवार को गणपति की मूर्ति स्थापित कर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए। वहीं चौक चौराहों में सार्वजनिक गणेशोत्सव समितियों द्वारा भी गणपति की मूर्तियों को स्थापित की गई और विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान किया गया। शासन प्रशासन द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन भी पंडालों में किया जा रहा है। दोपहर को शुरू हुई झमाझम बारिश के बीच श्रद्धालुगण गणपति की मूर्तियों को लेकर घरों और चौक चौराहों की ओर जा रहे थे, जहां गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित होनी है। ये क्रम काफी देर तक चलता रहा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के तत्वावधान में शहर सीमा से लगे ग्राम पंचायत सेमरा में स्थित ट्राईफूड पार्क में 9 और 10 सितंबर को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फूलों की खेती पर प्रशिक्षण दिया गया। किसानों और उद्यमियों को फूलों की खेती डेमो फार्म सह नर्सरी की स्थापना ट्राईफूड पार्क में की जाएगी। इस अवसर पर 50 प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यशाला में गुलदाउदी और गेंदा की खेती पर व्यवहारिक प्रशिक्षण और ग्लेडियोलस को फ्लोरिकल्चर डेमो फार्म में दिया गया। ग्लेडियोलस गुलदाउदी और गेंदा की फूलों की फसलों की वाणिज्यिक किस्में के विशेषज्ञों की देखरेख में फूलों की खेती के फार्म में केना लगाए गए थे। CSIR NBRI लखनऊ ट्राईफूड पार्क में ये फ्लोरिकल्चर डेमो फार्म सह नर्सरी जगदलपुर आदिवासी समुदायों को प्रशिक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक सुविधा के रूप में काम करेगा। फूलों की खेती को आजीविका के साधन के रूप में अपनी आय बढ़ाने के लिए नर्सरी में उगाए गए पौधे गेंदा वन धन केंद्रों के किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद ने कार्यक्रम का संचालन किया। PK पांडा क्षेत्रीय प्रबंधक ट्राइफेड और डॉक्टर KJ सिंह, डॉक्टर दयाशंकर, डॉक्टर NG प्रसाद CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ ने कार्यक्रम में भाग लिया। बस्तर की बात, जगदलपुर।
इन दिनों दलपत सागर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। पश्चिमी घाट से लेकर बस्तर आर्ट गैलरी तक दलपत सागर के तट को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और इसे वॉकिंग ट्रैक का रूप दिया गया है। इसके साथ ही आइलैंड टीवी का विकल्प हो रही है। आइलैंड क्षेत्र में भी लगभग 45 आकर्षक लाइट लगाए गए हैं। इसके साथ ही बैठने के लिए जो बेंच बनाए गए हैं उसके नीचे भी आकर्षक लाइटें लगाई जा रही हैं। यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन अभी से क्षेत्र में लोग पहुंचकर इसकी सुंदरता का आनंद लेने लगे हैं। और अब यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बस्तर की बात में अगली खबर की ओर। महिलाओं ने बीते कल हरितालिका तीज का निर्जला व्रत रखकर भगवान गौरी और शिव की पूजा की। आइए देखते हैं किस तरह महिलाओं ने ये पर्व भक्तिपूर्वक मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने निर्जला उपवास किया और कई घरों में सुहागन महिलाओं ने रत जगा भी किया और आज सुबह शुक्रवार की सुबह गौरा गौरी विसर्जन कर व्रत को तोड़ा। सुबह से लेकर दोपहर तक महिलाएं गौरा गौरी विसर्जन के लिए पहुंचते रहे। इस दौरान स्थानीय महादेव घाट इंद्रावती नदी के तट पर महिलाओं की भीड़ लगी रही। शुक्रवार की दोपहर शहर और आसपास के क्षेत्रों में हुए मूसलाधार बारिश के चलते शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं। नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा। लोगों को इससे आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विशेषकर शहीद पार्क के सामने ऐसा लगा मानो बाढ़ आ गई हो। घंटों नालियों का पानी सड़क पर बहता रहा। FCI गोडाउन की सड़क चौड़ी नाली के रूप में नजर आ रही थी। लोगों का कहना है कि जब भी बारिश होती है इस सड़क पर काफी तेज रफ्तार से पानी प्रवाहित होता है। ये समस्या शहरवासी कई वर्षों से झेल रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि FCI गोदाम से लेकर शहीद पार्क के सामने तक की चौड़ी नाली में मलबा भरा हुआ है, जिसके चलते हल्की सी भी बारिश होती है तो सड़क पर पानी बहने लगता है। कई बार नालियों की सफाई की गई परंतु
स्थिति जस की तस है। शहर में कई जगहों में जल भराव की स्थिति देखी गई। एक ऐसा ही नजारा महारानी अस्पताल के सामने भी देखने को मिला। यहां पर सड़क पर काफी देर तक पानी जमा रहा, जिसके चलते सड़क के किनारे चाय और फल ठेले लगाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फल दुकान संचालित करने वाली एक महिला कुर्सियों पर चढ़कर उपभोक्ताओं को सामान दे रही थी। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से नाली भी जाम है, जिसके चलते सड़क पर पानी का जमाव हो जाता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या यथावत है। दुकानदारों का कहना है कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन भी नियमित रूप से नहीं पहुंचता है। आसपास कचरा फेंकने जगह नहीं होने से भी काफी परेशानी लोगों को हो रही है। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ बनेगा देश का मिलेट हब, मिलेट मिशन का हुआ शुभारंभ। हीराखंड एक्सप्रेस को नवीन आधुनिक LHB रैक के साथ किया गया शुभारंभ। शहर में गणेशोत्सव की धूम, 10 दिनों तक विराजेंगे गणपति बप्पा। और पश्चिमी घाट से लेकर बस्तर आर्ट गैलरी तक दलपत सागर के तट को सजाया गया आकर्षक ढंग से। आज बस्तर की बात में सिर्फ इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।